हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एमपी जीके का वन लाइनर जीके लेके आई हूँ। आप देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जामों में पूछे गए हैं ऑलवेज। तो चलिए आइए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मध्य प्रदेश के राज पक्षी दूधराज का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसी से बन रहा है कि मध्य प्रदेश का राज पक्षी क्या है। तो मध्य प्रदेश का राज पक्षी देखिए दूधराज है, और इसका दूधराज का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैराडाइज फ्लाई केचर। पैराडाइज फ्लाई केचर जो है मध्य प्रदेश के जो राज पक्षी दूधराज है उसका वैज्ञानिक नाम है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है। तो पहला क्वेश्चन इससे भी बन रहा है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए, धूपगढ़ है, और अगर इसकी ऊंचाई पूछ रहा है तो 1350 मीटर। ठीक है, बागली किस नदी का उद्गम स्थल है ये बताना है। तो काली सिंध, काली सिंध नदी का जो उद्गम स्थल है वो बागली है। प्राचीन भारत में धर्मावती के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है। तो चंबल नदी को प्राचीन समय में धर्मावती नदी के नाम से जाना जाता था, जो आगे चल के उसका नाम बदल दिया गया और वो चंबल पड़ गया। मध्य प्रदेश भारत का किस क्रम का राज्य बना था। तो जो मध्य प्रदेश भारत का किस क्रम का राज्य बना था, तो आठवां राज्य बना था। जब राज्य बन रहे थे उस क्रम में मध्य प्रदेश का आठवां नंबर था, जब वो भारत का राज्य बना था 1956 में। मध्य प्रदेश में वर्षा का औसत है, मध्य प्रदेश में वर्षा का औसत क्या है। तो 100 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में वर्षा का औसत है, क्योंकि हर एक स्टेट के अपनी वर्षा के औसत होते हैं कि किसी राज्य में कितनी बारिश होती है। तो औसत की बात चल रही है तो 100 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है। सबसे न्यूनतम, सबसे कम तापमान जो है आपके शिवपुरी में किया जाता है। और मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, देखिए तो पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है वो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो देखिए, आपके पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो मंदसौर, नीमच, मालवा वगैरह आते हैं, सब आपके पश्चिमी मध्य प्रदेश में आते हैं। तो यहाँ पे जो वर्षा जो होती है बहुत कम होती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ISFR 2015 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। यदि वन क्षेत्र की बात की जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में वन क्षेत्र हैं, तो वो है मध्य प्रदेश में। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो चंदेल शासक थे जिन्होंने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शासक रहे हैं, चंदेल, चेर, चोल, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो देखिए, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो वो है मरकंटक से। और सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर तो स्थित है, लेकिन ये है कहाँ। तो देखिए, महेश्वर में है, और महेश्वर जो है वो आपके खरगोन में है। तो खरगोन में एक महेश्वर सिटी है जहाँ पे सहस्त्रधारा जलप्रपात है, जो कहाँ से निकलता है, कहाँ है, नर्मदा नदी पर है। केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसमें जो केवटी जलप्रपात है आपका, तो बीहड़ नदी पे तो है, लेकिन आई थिंक मुझे डाउट सा लग रहा है, क्योंकि ये जो जलप्रपात है वो आपके महाना नदी पे है, क्योंकि केवटी जो है वो आपका रीवा में है, और मध्य प्रदेश में रीवा में। और क्योंकि पूरा हम आपका MP का ही जीके लेके आए हैं, और जो जलप्रपात ये है तो महाना नदी पर है। तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा और बताइएगा। आई थिंक ये जो आंसर यहाँ पे बाय मिस्टेक बीहड़ टाइप हो गया है, तो महाना होगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। देखिए, नर्मदा नदी की लंबाई जो है 1077 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो चचाई जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है मध्य प्रदेश का, और ये भी जो आपके है रीवा में ही है। तो फ्रेंड्स, चचाई है वो देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपके मध्य प्रदेश का। और अगर ये बात की जाए कि ये है कहाँ, तो ये आपके मध्य प्रदेश के रीवा में भी है। दूसरा जलप्रपात ये है जो बहुत ही फेमस है, यहाँ विद्युत उत्पादन किया जाता है आपके चचाई जलप्रपात में। और रीवा मतलब डिस्ट्रिक्ट जो है वो रीवा है, और रीवा के सिरमौर तहसील में है, और जो कि बीहड़ नदी पर निर्मित है। तो ये भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मध्य प्रदेश का चचाई जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है, तो ये बल्कि बीहड़ नदी पर स्थित है, और केवटी जो है आपका
वो महानदी पर स्थित है, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और भारत का जो ये है 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है, यानी भारत में अगर जलप्रपात की काउंटिंग की जाए तो 23वें नंबर पर सबसे बड़े जलप्रपात में इसका नाम आता है, आपके चचाई जलप्रपात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। अब ये आपको बताना है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो सफ़ेद लिली है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और ताप्ती नदी किस ओर से बहती, देखिए पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि सभी नदियां जो हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो देखिए नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। और चित्रकूट किस जिले में है, तो चित्रकूट जो आपके सतना जिले में, क्योंकि चित्रकूट तो वैसे यूपी में है, लेकिन अगर चित्रकूट का कुछ भाग जो है वो सतना में है, तो चित्रकूट जो है सतना जिले में आता है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो बालाघाट में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। रेगुर किस मिट्टी को कहते हैं, तो रेगुर जो है काली मिट्टी को कहते हैं, ठीक है ना। काली मिट्टी का दूसरा नाम भी रेगुर मिट्टी है, या फिर ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है, तो देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दो बराबर भागों में बांटती है, तो बघेलखंड पठार को, बघेलखंड पठार को दो बराबर क्षेत्रों में कर्क रेखा बांटती है। वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो देखिए जो मध्य प्रदेश है वो प्रथम राज्य है वनों का राष्ट्रीयकरण करने में। तो चलिए वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला जो प्रथम राज्य वो मध्य प्रदेश है, और वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब, 1970 में। निम्न में से कौन सी नदी प्रथम मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा से जुड़ती है, जो ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा से जुड़ती है, कहाँ से, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा से ताप्ती नदी जुड़ती है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा से जुड़ती है, देखिए तो चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा से जुड़ती है। और इसी तरह देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो देखिए छिंदवाड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो देखिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जबलपुर के मंडला में है, ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये चीज भी याद रखिएगा। पारसवाड़ा पठार किस नदी का उद्गम स्थल है, तो बेन गंगा का जो उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, वो पारसवाड़ा पठार से हुआ है, ठीक है। और मध्य प्रदेश भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है, तो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। जस्ट अभी बताया है कि कितनी वर्षा होती है, तो वहाँ पे औसत 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो वही है कि मध्य प्रदेश भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उस क्षेत्र में मध्य प्रदेश आता है। वनीकरण के लिए सर्वोत्तम मिट्टी क्या है, तो लाल और जो बलुई मिट्टी होती है वन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, तो 6.35 जो होता है काली मिट्टी का, यानी रोगर मिट्टी का पीएच मान होता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो लिली है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प, आई थिंक रिपीट हो गया है। निम्नांकित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है, तो नर्मदा घाटी जो परियोजना है मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना, जो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों जगह में चल रही है, दोनों के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, देखिए तो बारहसिंघा है, आखिर आ ही गया। और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर जो है, जहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लोग ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो क्षेत्र की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। और मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है, तो दक्षिणी पूर्व जो क्षेत्र होता है वो गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मंदार जलप्रपात किस नदी पर है, देखिए तो नर्मदा नदी पर है। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, देखिए तो राला मंडल जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन होता है, तो ग्वालियर जो क्षेत्र है आपका, वहाँ टंगस्टन पाया जाता है। हरदा किस संभाग में आता है, तो हरदा देखिए जो नर्मदापुरम है उस संभाग में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांत के निकट है, तो देखिए होशंगाबाद जो है, जो आपका भारतीय मानक समय है उसके निकट है।
निम्न में से किस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है? देखिए, जलोढ़ मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जहाँ बालू सबसे अधिक पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके मोर इम्पॉर्टेंट जीके वन लाइनर। जीके कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।